हेलो गाइस, वेलकम टू चिलफन व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आई होप आपका न्यू ईयर भी अच्छा रहा होगा। तो गाइस, इट्स वीकेंड एंड अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा कटिंग ट्रिमिंग कराने एंड देन कार वॉश भी करानी है, एक दो छोटे मोटे काम हो रहे। चलो चलते हैं। मैंने ट्रिमिंग एंड कटिंग करवा लिया। चलो, गाड़ी बहुत गंदी हो रही है यार, बाहर खड़ी कर दी थी कल तो, ओस जम गई थी और ओस और मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत खराब होता है। तो फिर अभी एक बार गाड़ी को वॉश करा लेते हैं। वाह भाई वाह, व्हाट अ किस्मत। बहुत रेयर टाइम होता है कि मुझे सर्विस खाली मिलता है। गाड़ी लग चुकी है, देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो गंदी हो रही है यार। और कभी भी जब आपकी गाड़ी पे इतनी मिट्टी हो तो उस पर कभी भी सूखा कपड़ा नहीं मारना चाहिए। तो मैं तो वॉश ही करा लेता हूँ, घर के पास ही है सर्विस स्टेशन। और मेरे को जिम भी जाना है और मैंने कुछ ऐसा खास खाया भी नहीं है। पहले कुछ खाते हैं, एक करा लेता हूँ, घर जाके खाऊंगा फिर ना धो के जिम। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है, मैं आया घर थोड़ा खा के नहा के, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, इतना थोड़ा खाना हजम होगा फिर मैं जिम चला जाऊँगा। तो ऐसा रेस्ट हुआ कि 9 बज गए और मैं सोता रहा। तो अब क्या करूँ, अब डिनर करूँगा, जिम मिस हो गया है। तो गाइस, ये है अपना डिनर, छोले की सब्जी है, चपाती है और अपना मोस्ट फेवरेट देसी घी, अपना सर्दियों का बेस्ट फ्रेंड। चलो डिनर कर लेता हूँ, अब सीधा मिलते हैं आपसे कल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो आज मेरे को जाना है रोहतक एंड मेरे भांजे का फर्स्ट बर्थडे है। मीन्स क्या, बहुत सर्दी हो रखी है यार, विजिबिलिटी भी कम है, लेट्स सी कैसे क्या होता है। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है, आज की स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई। हम निकल गए थे घर से तो रास्ते में पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो हमने एक क्लिनिक पे चेक किया, तो वहाँ हमने चेक कराया तो ब्लड प्रेशर इज़ अबाउट 190 जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर पापा को वापस घर छोड़ा, दवाई ववाई दिलाई। पापा भी यार मानते नहीं हैं, सुबह सुबह आलू के परांठे चाहिए, कह रहे मैं जो परांठे खाऊंगा मैं ब्रेकफास्ट में। अब फिर हो गया ब्लड प्रेशर हाई, परहेज करते हैं नहीं। अब फिर वापस निकल ले हूँ, अब जा रहा हूँ रोहतक। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हमारे भतीजे का बर्थडे है, सो इट्स हिज फर्स्ट बर्थडे, तो यार वहाँ भी जाना जरूरी है। चलो चलते हैं, मिलते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, अभी भी धुंध है, आज सर्दी बहुत है, तो विजिबिलिटी तो थोड़ी ठीक है बट हाँ फोग तो है ही। Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. Preparation start ho gayi hai birthday ki. Abhi thodi decoration wagera ho jayega. DJ wagera lag jayega. Aur idhar yahan pe khana ban raha hai. भाई जी, हमारे यहाँ पे घर है बुआर का, इधर फंक्शन होगा। देखो
जस्ट घर के साथ में ना स्टेडियम है यहाँ पे, ये बन रहा है अभी, शाम को यहाँ पे जा सकते हैं। खुला खुला सही सीन है यहाँ का, यहाँ से ना सही दिखता है ना पीछे का बैकग्राउंड, सनसेट वगैरह भी काफी अच्छा दिखता है यहाँ पे। तो गाइस ये है अपनी मोबाइल की शॉप, मींस मेरे कजन की। तो एक्चुअली ये मेन रोड पे ना दुकान हमारी है, तो ये एज अ साइड बिजनेस उन्होंने कर रखा है, क्योंकि ही इज अ पार्सल हियर, जो इस दुकान को टेक केयर करते हैं वो भी हमारे मतलब नोन में ही है। बाकी बने रहिए व्लॉग में, आज करते हैं चिल फन। तो गाइस मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो यहाँ ना मैं समोसे खाता हूँ यहाँ के, ना सीरियसली अल्ट्रा टेस्टी है। और जो इसके साथ ये छोले हैं ना, जस्ट चेक इट आउट। ये भाई बड़े बॉय, आज गाइस हम निकल चुके हैं, अभी घर जा रहा हूँ। विजिबिलिटी बहुत कम है बट अभी निकलना ही ठीक है, सुबह ज़्यादा फोक होती है इसलिए अभी निकल रहा हूँ, क्योंकि सुबह ऑफिस भी है। मंडे तो फर्स्ट वर्किंग डे, सो या निकलते हैं चलते हैं। तो गाइस देख लो विजिबिलिटी बहुत ही कम है, कुछ कुछ जगह ठीक है और कुछ कुछ जगह बहुत ज्यादा फोग है। देख लो गाइस विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरे को ये रास्ता पता है इसलिए थोड़ा जैसे तैसे हम चल रहे हैं। बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है, कुछ नहीं दिख रहा है। टेम्परेचर देखो आप, 5 डिग्री टेम्परेचर, कश्मीर वाली ठंड तो गुड़गांव में ही हो रही है भाई। और अभी तो मैं गुड़गांव पहुंचा नहीं हूँ, मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर है पूरा पैक। तो गाइस मैं घर आ गया था, चेंज वगैरह कर लिया है, बट आपने देख लिया होगा ब्लॉग में, मतलब विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर थी, बट समहाउ वी मेड इट, क्योंकि मेरे को पूरा रास्ता पता है, बहुत बार जा चुका हूँ वहाँ जरूर ना, तो आई नो द वे। बाकी स्टिल बहुत रिस्की था, तो हमने ओवर स्पीडिंग वगैरह कुछ की नहीं, लेन को फॉलो किया एंड धीरे धीरे आ गए। वैसे हमें 45 to 50 मिनट मैक्स लगते हैं, मैक्स अगर हम 60 से 80 की स्पीड पर चलाएं तो भी, बट ऑनेस्टली हमें आने में मोर देन 3 आवर्स लग गया। तो ऑब्वियस था लाइक कि विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत कम थी, मतलब कुछ जगह तो बिल्कुल 1 फुट दूर भी नहीं दिख रहा था। थैंक्स टू द लाइट्स जो मैंने अपग्रेड करा रखी है, तो उनका फोकस बहुत अच्छा है, एंड एटलीस्ट मतलब आपको लेन या फिर जहाँ पे लेन नहीं होती है वहाँ पे फुटपाथ वगैरह या जो भी होता है वो दिखता है, उसकी हेल्प से जैसे तैसे हम आ गए। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।